तो लगातार एससीओ समिट से जुड़ी तमाम खबरें आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और आज एक और बड़ी खबर आई, आईएसआईएस की भारत के खिलाफ खुलेआम धमकी सामने आई है। मुस्लिमों से कहा गया है एशिया के कि भारत में आतंकी हमले करो। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की गई। आईएसआईएस के आतंकी प्रवक्ता अबू उमर अल मुजाहिर ने ये अपील की है, भारत के खिलाफ मिलकर हमला करना चाहिए। ये ताजा वीडियो में आईएसआईएस का आतंकी कहता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हिंदुस्तान के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोलने की जरूरत की है। जिस आईएस की जमीन सीरिया से भी खिसक चुकी है, भारत को लेकर उसके खूनी मंसूबे उजागर हो गए। इस टेरर ग्रुप के प्रवक्ता का अरबी भाषा में एक वीडियो जारी हुआ है, इसमें वो एशियाई मुसलमानों को भारत पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। भारत के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला करना चाहिए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों को साथ आना होगा। हमें भारत के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला करना पड़ेगा। डर ने आप सबको खा लिया है और इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने में आप सबकी हिम्मत खत्म हो गई है। साथ ही अब आपके अंदर अपने दुश्मन से भी लड़ने की ताकत नहीं बची है। 32 मिनट के इस ऑडियो में पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के मुसलमानों को भारत में हमले के लिए उकसाया गया है।